नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्वेद एक्सपर्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ घर पर ही एलोवेरा जेल बनाने का तरीका, जिसे आप बिना किसी आर्टिफिशियल कलर या प्रिजर्वेटिव के ऐड करें 2 महीने तक स्टोर कर यूज़ कर सकते हैं। इस होममेड एलोवेरा जेल को आप त्वचा पर सनबर्न पर लगा सकते हैं, या फिर अगर आपकी त्वचा बेजान हो गई है तो एज ए मॉइस्चराइज़र आप एलोवेरा का जेल का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पिंपल्स हो रहे हैं या त्वचा पर दाग धब्बे हैं तो यह एलोवेरा जेल काफ़ी असरकारक है। इसके अलावा कर्ड्स या रैशेस पर या जल जाने पर यह एलोवेरा जेल आपको रामबाण औषध की तरह फ़ायदा देगा। जेल में एंटी एजिंग गुण और एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ए और ई होते हैं, जो चेहरे से झुर्रियों को हटाने में मदद करते हैं। तो आइए एलोवेरा जेल बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए पौधे से आप एक मैच्योर पत्ती, जो कि बाहर की ही होती है, उसे आप तोड़ लेंगे या चाकू की सहायता से काट लेंगे। अंदर की पत्तियां इमैच्योर होती हैं, अच्छी से उसमें ग्रो नहीं होती हैं और जेल भी हमें प्रॉपर नहीं मिल पाता है। बाहर की पत्ती काटने के बाद आप देखेंगे उसमें से एक पीले रंग का रेजिन निकल रहा है। इसको पूरी तरीके से हमें निकाल देना चाहिए, यह स्टेप बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए हम उसे 15 से 20 मिनट तक एक कप या ग्लास में सीधा खड़ा करके रख देंगे, क्योंकि अगर हम उसको अपने जेल में यूज़ करते हैं तो स्किन पर इरिटेशन हो सकता है। इसके बाद इसे पानी से अच्छे से साफ़ कर देंगे, जो भी धूल मिट्टी लगी हुई है उसे अच्छे से हमें साफ़ कर देना है, ताकि हमारा जो भी जेल बने वो अच्छा शुद्ध बने। यहाँ पर मैं आपको 2 पत्तियों का एलोवेरा जेल बनाना बता रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले आप पत्ती को किनारे से काटेंगे, इसके किनारे पर कांटे होते हैं तो उसे हमें निकाल देना है। दोनों तरफ के कांटे निकाल देने के बाद हम इसे बीच से काटेंगे। बीच से चाकू की सहायता से काटने पर आप देखेंगे कि इसमें हमें जेल क्लियरली दिखाई देने लगा है, इसी का ही हमें उपयोग करना है। तो इसे निकालने के लिए हम चम्मच से इसको निकाल देंगे। चम्मच की सहायता से बहुत ही आसानी से निकल जाता है। चम्मच से निकालने के बाद इसे हम एक बाउल में इकट्ठा कर लेंगे और पत्ती से अच्छे से हम चम्मच की सहायता से खुरच खुरच कर पूरा जेल निकाल लेंगे। लेकिन यह ध्यान दें कि कुछ भी उसका हरा पार्ट जो है पत्ती का, वो इस जेल में ना आने पाए। अगर आ भी जाता है तो आप उसे निकाल कर फेंक दें। इसके बाद मिक्सर में हम इस पूरे जेल को डालेंगे और अच्छे से चलाएंगे, ताकि ये पूरी तरीके से लिक्विड फॉर्म में आ जाए। मिक्सर में हमें इसे थोड़ी ज़्यादा देर तक चलाना रहेगा, ताकि इसमें कुछ भी गुठली ना रहे और पूरा लिक्विड वो हो जाए। इसके बाद हमें इसे एक ग्लास में या एक कप में या एक बाउल में कर लेना है। मैं तकरीबन 100 ml का जो एलोवेरा का जूस हमने निकाला है मिक्सर में चला के, वो ले रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पर 500 mg की विटामिन सी की टैबलेट है, जो कि आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। यह इस जेल की शेल्फ लाइफ बढ़ाने का काम करती है, मतलब हम इसे लंबे समय तक विटामिन सी की टैबलेट डाल के स्टोर कर सकते हैं। विटामिन ई की कैप्सूल भी आपको इसमें 2 डालना है, यह भी स्किन ग्लो करने में मदद करेगी। इसके अलावा इसको थिक करने के लिए यहाँ पर मैं कॉर्नफ्लावर यूज़ कर रही हूँ। आप अगर अगर या जिलेटिन भी यूज़ कर सकते हैं, जो किराना स्टोर पर ईजिली अवेलेबल है। अगर आप इसको थोड़ा थिक करना चाहते हैं तो जो एलोवेरा जूस है जो हमने मिक्सर से निकाला है, उसे एक कढ़ाई में डालेंगे और कढ़ाई को ऑन कर देंगे। अगर आप इसे एज ए बॉडी लोशन यूज़ करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली जो भी हमने मिक्सर से एलोवेरा जेल को जूस किया है उसमें विटामिन सी पाउडर करके डाल देंगे और उसको फ्रिज में स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। विटामिन ई के कैप्सूल भी उसमें डाल देंगे तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा उसमें होगा। और अगर आप चाहते हैं कि हमें थोड़ा थिक एलोवेरा जेल चाहिए, जो कि हम फेस पर लगा सकते हैं या कहीं पर भी ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको इसको थोड़ा कढ़ाई पर गर्म करना है। ज़्यादा देर गर्म नहीं करना है, तकरीबन एक उबाल आ जाए इतना ही आप इसको गर्म करेंगे। इसके बाद इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। 1 चम्मच से ज़्यादा कॉर्नफ्लावर ना डालें, थोड़ा कम ही कॉर्नफ्लावर डालना है। तकरीबन 5 ग्राम के लगभग हम इसमें कॉर्नफ्लावर डाल रहे हैं। इसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। कॉर्नफ्लावर अच्छे से घुल जाएगा तो उसमें हम विटामिन सी की टैबलेट ऐसे ही डाल देंगे, या फिर उसको पाउडर करके भी आप डाल सकते हैं। विटामिन सी अच्छे से घुल जाने के बाद इसमें हम विटामिन ई की कैप्सूल डालेंगे, जो कि हमारी स्किन को ग्लो करेगी। ये तकरीबन हमारा 2 महीने तक का एलोवेरा जेल स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें विटामिन सी डाला है, जो कि इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा रहा है। तो इसमें कहीं पर भी फंगस लगने का कोई भी चांस नहीं है और आप इसको लंबे समय तक फ्रिज में रख कर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए हमारा एलोवेरा जेल
तैयार हो गया है। हमने इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं कर रहे हैं हम, जो कि मार्केट के एलोवेरा जेल में आपको मिलता है, और ना ही हमने इसमें कोई भी कलर यूज़ किया है। ये पूरी तरीके से नेचुरल है। अगर आप थिकनिंग इसमें नहीं चाहेंगे तो इसमें कॉर्नफ्लोर डालने की भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।